हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्मास किचन का खजाना। बहुत ही अच्छी सब्जी आज हमारे किचन पे बनी है, मिक्स वेज, ड्राई मिक्स वेज। इसमें ग्रेवी बिल्कुल नहीं बनी हुई है और इसमें मैंने कुछ भी ज़्यादा तामझाम नहीं किया है। बहुत ही अच्छी सब्जी और बहुत ही सिंपल हेल्दी सब्जी है। तो जीरा और राई ऐड किया है। आप लोग चाहें तो लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। इस पर खूब सारी हरी मिर्च डालिए, हरी मिर्च से टेस्ट जो है वो अलग आ जाता है। यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अवॉइड ही कीजिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चे हरी मिर्च को देख करके ही नहीं खाते हैं। और इसके बाद लंबे कटे हुए प्याज डालिए। प्याज को हल्का सा सौते कीजिए। आप लोग चाहें तो बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी वेजिस डालिए, जो आपको पसंद हो, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, जो आपको पसंद हो, बच्चों को पसंद हो, वो ऐड कीजिए। मुझे जो जो पसंद थी मैंने वो सब्ज़ी ऐड की है। खूब सारा टमाटर डाला मैंने इसमें और सब प्रकार के मसाले, जो भी घर पे मसाले होते हैं, रेगुलर वाले मसाले, मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक, ये सब ऐड किया है। आप लोग चाहें तो इस पे मैगी मसाला अभी ही ऐड कर सकते हैं। इस पे मैंने कसूरी मेथी, थोड़ी सी कसूरी मेथी इस तरीके से डाली, अच्छे से इसको भून लिया। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भून लिया। और भूनने के बाद इसको ना ढक कर के मैंने पकने के लिए रखा। मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे इसको पकने में। पकने के बाद जो इसकी खुशबू आ रही थी ना, बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो आप लोग अपने घर पे बना के देखिए। हमारे घर में तो बड़े और छोटे बहुत ही चाह के साथ खाते हैं, तो आप लोग भी ट्राई करके देखिए। देखिए सब्जी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। इसमें मैं नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है नींबू का रस। यदि आप चाहें तो चाट मसाला ऐड कीजिए इसमें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनती है और हेल्दी तो है ही, वेजीज हैं तो। खूब सारा धनिया डालिए। धनिया को हमेशा ना जिस समय वेजीज पक रही होती हैं या सब्जियां पकती हैं उसी समय ही धनिया को ऐड करना चाहिए। लास्ट में गार्निशिंग के लिए तो अलग से डाला ही जाता है जीरा पाउडर या फिर गरम मसाला, दोनों में से जो आपको पसंद हो वो डालिए। मैं तो मैगी मसाला भी इसमें ऐड करती हूँ, बच्चे बहुत चाह से खाते हैं। नेक्स्ट डे इन्होंने डिमांड की कि स्कूल के लिए भी ये सब्जी चाहिए, तो मैंने नेक्स्ट डे बना के भी दिया। बहुत ही अच्छा, चपाती के साथ खाइए कि कुलचे के साथ खाइए, आपकी मर्ज़ी है। चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।